नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट शॉप बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी बिजली के सामान की दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए या फिर कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप बिजली के सामान की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको सस्ते रेट पर बिजली का सामान कहाँ से मिलेगा और आपको इस बिजनेस के अंदर पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा या फिर आपको प्रति महीना इसके अंदर कितनी कमाई हो सकती है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट शॉप बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यदि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट शॉप या फिर बिजली के सामान की दुकान की बात करें तो आज यह बिजनेस सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है। क्यों दोस्तों? आज इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है और हमारे चारों तरफ बहुत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं। दोस्तों, हम दिन भर में घर से लेकर ऑफिस तक बहुत से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हर वर्ग यूज़ करता है, जैसे मिडिल क्लास भी यूज़ करते हैं, हाई क्लास भी यूज़ करते हैं और लोअर क्लास भी इनका थोड़ा मोटा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। दोस्तों, इस डिमांड को देखते हुए बहुत सी कंपनियाँ हैं, जैसे हैवेल्स, इंडो एशियन, बहुत सी कंपनियाँ ऐसी जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और करोड़ों रुपए का कंपनियों ने कारोबार जमा रखा है। और दोस्तों, आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे घरों की, ऑफिस की डिमांड बढ़ेगी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों, यदि कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की दुकान ओपन कर सकता है और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, की आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं यानी बिजली के सामान की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, की आप बिजली के सामान की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, एक गोडाउन होना चाहिए और आपके पास अपनी शॉप का GST नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए और कम से कम एक या दो वर्कर होने चाहिए या फिर आप खुद काम चला सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, की आप बिजली के सामान की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप ये दोनों चीज़ें किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों, बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप थोड़े से स्टॉक के साथ छोटे लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, यदि आपके पास खुद की शॉप है, खुद का गोडाउन है और आप एक व्हीकल किराए पर लेते हैं तो आप इस बिजनेस को आराम से 2 से 3 लाख रुपये भी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक शॉप और गोडाउन किराए पर लेते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कम से कम 3 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब भी आप यह बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप 2 से 3 लाख रुपए के बीच यह बिजनेस स्टार्ट करें और जब आपको इस बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज हो जाए तो आप अपने प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, की आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए या फिर कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए। तो दोस्तों, की आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यानी बिजली के सामान की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को रखेंगे और अपने कस्टमर को हैंडल करेंगे। और आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप अपना स्टॉक रखेंगे। दोनों चीज़ों को मिलाकर दोस्तों, यदि आपके पास 300 से 500 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं यानी बिजली के सामान की दुकान शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप छोटे से लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और छोटे से लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं यानी बिजली के सामान की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी शॉप का GST नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए
और दोस्तों जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवाने के लिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। उसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपनी शॉप का जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा सकते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जी, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें, आज इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर बेंगलोर या फिर पुणे, इन सिटी के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है। इन होलसेल मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ही सस्ते रेट पर आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों इन मार्केट से आपको ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे और लोकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आप सभी प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं और अपने एरिए के अंदर आप बिजली के सामान की दुकान शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि दिल्ली की मार्केट की बात करें तो दिल्ली के अंदर गफार मार्केट, वजीरपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पालिका बाजार, लाजपत राय मार्केट, नेहरू पैलेस, भागीरथ पैलेस या फिर जनपद मार्केट, इन सभी मार्केट के अंदर दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते रेट पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप यहां से सस्ते रेट पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद कर अपने एरिए के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जी, आप मुंबई की या फिर हैदराबाद की या फिर बेंगलुरु की मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर सभी सिटी की सभी होलसेल मार्केट के बारे में बताया है कि आपको किस मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने हैं और कहां से आपको सस्ते रेट पर प्रोडक्ट मिलेंगे। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा, आप वहां से वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितना परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है? तो दोस्तों जी, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको पर प्रोडक्ट के हिसाब से आराम से 50-60% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत से प्रकार के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं और सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर एक जैसा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता। दोस्तों किसी पर 50-60% मिलता है तो किसी पर 40-50% प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है। ऐसे दोस्तों सभी प्रकार के छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जी, आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली की मार्केट से कोई अच्छा डीलर देखना पड़ेगा जो आपको सस्ते रेट पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दे और आप अपने एरिया के अंदर अच्छे रेट पर बेचकर अच्छी खासी कमाई उसके अंदर कर सके। लेकिन दोस्तों जी, इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कमाई के बारे में बात करें तो यदि आप नॉर्मल लेवल पर बिजनेस शुरू करते हैं और शुरुआत में आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो आप आराम से 80,000 से 1,00,000 रुपए इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी कमाई आपकी तब भी होगी जब आपके पास अच्छे कस्टमर होंगे और दोस्तों आपको अच्छे कस्टमर बनाने हैं तो आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के ऊपर लगा दें जिससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो आपकी कमाई बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों यदि आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग करना जरूरी है। तो दोस्तों ऐसे आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की शॉप ओपन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जी, आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों हमने वहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कितनी कमाई हो सकती है, आपका किस चीज़ के ऊपर कितना खर्चा होगा, सब भी जानकारी दोस्तों हमने वहाँ दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों जी, आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।